हाय नमस्कार, गुड इवनिंग वंस अगेन। शैलेश इंश्योरेंस समाधान की तरफ से पिछले करीब 15 दिनों से बहुत परेशानियां सभी को फेस कर रहे हैं और हम लोगों के पास भी एट इंश्योरेंस समाधान वी हैव बीन रिसीविंग मेनी केसेस जहां लोगों का क्लेम नहीं मिल पा रहा है। तो वी थॉट व्हाई नॉट वी वंस अगेन पुट इट डाउन इन अ राइट वे, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि यदि आपको कोविड का से इम्पैक्ट हुआ है और हॉस्पिटलाइजेशन है तो किस तरह आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपको क्लेम मिले। तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सही तरीके के डॉक्यूमेंटेशन ना होने के कारण क्लेम्स की प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहली बात, जब भी आप का केस हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, तो कोविड का कंफर्मेशन कैसे होगा उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आरटीपीसीआर आईसीएमआर लैब के थ्रू, जिसमें एसआरएफ नंबर हो, आईसीएमआर का सर्टिफिकेट हो, उसके बेसिस पर अपना टेस्ट कराएं एक ऑथराइज लैब से और उस टेस्ट में सारी डिटेल्स हो, आधार नंबर हो आपका, ये सब डिटेल्स के साथ आपके पास आईसीएमआर का कंफर्म्ड रिपोर्ट हो कि आप कोविड से इंफेक्टेड हैं। नंबर टू, जब भी आपको हॉस्पिटल जाने की यदि जरूरत पड़ी है तो डॉक्टर से जो आपको रेफर कर रहा है उसे क्लियर कट लिखवाएं कि इनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कहां पर है और क्यों जरूरत है। बहुत सारे टेस्ट भी आपके इसमें हैंडी आ सकते हैं जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जो टेस्ट आपको स्पेशली यदि आपका सीटी स्कैन हुआ है या आपने का ब्लड रिपोर्ट आई है, आपका लंग की सिचुएशन क्या है, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, ये सबको देखते हुए ये सारी रिपोर्ट्स भी हमें अटैच करनी है। यदि हमारे पास आईसीएमआर का सर्टिफाइड कोविड कंफर्मेशन है, हमारे पास सारी रिपोर्ट्स हैं और हमने हमको सीरियल वाइज लगाया है तो आप पाएंगे कि आपके क्लेम को पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी, इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी जो रेट्स हैं ट्रीटमेंट के रेट्स, वो एक स्टैंडर्ड रेट से ही पैसे दिए जाएंगे। यदि आज के तारीख में कोई हॉस्पिटल या कोई नर्सिंग होम आपसे ज्यादा रेट मांग रहा है तो आपकी जरूरत के हिसाब से आप अवश्य दे दें, लेकिन कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का जो रेट है उसी बेसिस पर ही आपको क्लेम पास करेंगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो यदि सपोज आपका क्लेम आता है 2 लाख रुपए का और कंपनी कह रही है कि हम आपको 1.25 लाख रुपए देंगे, तो प्लीज एक्सेप्ट दैट, बिकॉज वो एक स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से ही पैसा देंगे। वो आपको जरूरत के हिसाब से या नीड बेस्ड, आपने कहीं पर चले गए, आपने एडमिशन कराया एट हायर रेट्स, उसके बेसिस पर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉब्लम्स को भी समझिए, कंप्रोमाइज करिए और उसके साथ ही अपने रेट्स यदि कम मिलते भी हैं तो भी एक्सेप्ट कर लें। सो थैंक यू वेरी मच आपको ये जानकारी देने के लिए। हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी इस क्रिटिकल टाइम में देते रहें। Thank you very much. Love you all.